हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम आए हैं संतोष की मम्मी के लिए कपड़े लेने। ये देख रहे हैं हम ओढ़नी, आजकल ऐसे चल रही है नगमे बहुत ज़्यादा, तभी शुरुआत कर रहे हैं देखने की। और ये लहंगा सितारों वाला, इसका कलर थोड़ा ठीक लग रहा था और देख रहे हैं अभी हम। देखो, आप लोगों को भी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर ज़रूर करना। और ये लहंगा था चमकने वाला, इसकी चमकट भी रही थी। और ये है ऑर्गेंजा में, ऑर्गेंजा में वर्क है बारीक सितारों का और धागों का। देखो, इसे लगा के देख रही है। ये लहंगे सिले सिलाए आते हैं, जो इनमें घेर अपन जो लेके बनवाते हैं ना, उनमें ज़्यादा होता है, इनमें कम होता है। इसे लगा के हम देख रहे हैं इसको। अभी भी कभी कभी बूढ़ा निकल जाता है। ये ग्रे कलर, यही कोई मूंगिया कलर कलर ना, ये तो सही लग रहा है। फिर कहीं थोड़ा बहुत ये हल्दी के लिए, ये दूसरी हल्दी और ये मेहंदी के लिए। मेहंदी फंक्शन के लिए और कलर ये प्रिंट थोड़ी ठीक लगी। उन्हें भी रखो यहाँ। ये तो अच्छी कलर है, वेलवेट में ही है, रेड और वाइट मिक्स कलर में। इसका दो कलर है, एक तो ब्लैक और एक ब्लू। ये थोड़ा अलग है, इसका भी वर्क देखो। इसके तीन चार कलर थे, एक तो येलो भी है और ये थोड़ा हल्का पीच कलर टाइप, लाइट कलर में ज़्यादा थे तो थोड़े हमें कमी पसंद आ रहे थे। और ये घाट देखा था, ये 4,000 का बता रहा था, मन का इतने का तो नहीं है, तो हमने हटा दिया। फिर इसको रेंज पूछी थी सिर्फ, इसको हमें लेना नहीं था। अच्छे लगते हैं वैसे फास्ट वगैरह में ऐसे उड़ते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं चांदी की कनकती, जो संतोष की मम्मी के लिए इन्होंने बनवाई है, तो उसको देख रहे हैं कि तैयार कर दी है या नहीं। तो इनके थोड़ी लूज आ रही थी, तो त्रुड़ी को बनाएगा थोड़ा सा तागस बांधना पड़ेगा। फिर तागस तो सही बन रहा है, बहुत अच्छे थे। मैं गी गई तो 2-4 दिन। फिर यहाँ से आ गए हम दूसरी शॉप पे वापस कपड़े देखने। तो ये लहंगा देख रहे थे हम, ये वेलवेट का है और इसमें नीचे बॉर्डर दे रखा था, तो पहन पहन के देख रहे थे कि अच्छे लग रहे हैं या नहीं। ये जॉर्जेट में है बारीक सीक्वेंस में, इनमें वजन भी नहीं है और वर्क भी ऐसे लग रहा था भरा भरा। तो आप देखो कि आपको कौन से अच्छे लग रहे हैं। कलर भी देखो इसका अच्छा है, इसका भी ब्लू अच्छा है, ये ग्रीन में है। और भी काफ़ी सारे हम देख रहे थे, ये भी वापस ये वेलवेट का ही दिखा रहे थे। इसमें नीचे आजकल बॉर्डर दिखा रहे हैं और ऊपर वेलवेट की छोटी छोटी कपड़े में बूटियाँ है। ये फैब्रिक तो ये वेलवेट का ही है और सीक्वेंस का है इसमें, ये वेलवेट में ही मल्टी कलर बारीक जीरो सीक्वेंस में। ये भी थोड़ा ठीक लग रहा था हमें, दिखने में तो अच्छा लग रहा था, वजन इसमें बिल्कुल भी नहीं था, एकदम था हल्का फुल्का ऐसे भी सिंपल सोवर। फिर ये दूसरा लगा के देख रहे हैं, ग्रीन कलर में है ये। हेलमेट मुंडा को तो ए छोरी छावरी म ओडुली मार बुजी बुज मार दे ठीक बात है ने। अब ये पता कोड़ा वो अच्छा तो शरीर पर मन ये सर पर बनेड़ो चाहे कोई परणा टेढ़ा तो रील का लेंथ था मार तुम वो आऊं तो तो खरा नहीं होने का चौक फूक लो
जंगल का भी ले बाओ तो कई बार भी ले बाओ तो सब तरीका का हो जन रहे डार्क थोड़ो ज्यादा याद छुला दो अभी का आंगनबाड़ी के बना दी ये को कलर लाइट कलर सन या स्कूल बंद ये लाइट कलर सन जिस खरी छ एम तो ये हैवी ओढ़नी तो छ पर ओढ़नी को कलर लाइट छ ना मैंने कोन ये पूरा लाइट कलर छ काम तो सही छ नहीं फर में फरे जाओ ना तो यार हुआ मैं थोड़ी उड़ाऊंगा और ये आगे दूसरी शॉप पे देख रहे हैं। फिर यहाँ पे हमने देखा है ये और ऑर्गेंजा कपड़े में तो ये ग्रे कलर में है ये और इसका सीक्वेंस का जरीकार वही काम है सब में सब सिली सिलाई लेंगे थे यहाँ पे ये सारे ऑर्गेंजा के ये ऑर्गेंजा में ये वेलवेट में मल्टी कलर में जीरो सीक्वेंस का ये लेंगे देखा। फिर गोटा पत्ती वाले प्लेन वेलवेट में बनाई हुई है ये हैंड वर्क सब में इसकी लहंगा ओढ़नी और ये 7,000 रुपये के बताए थे हमें जो कि हमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही थी। इन लहंगों में पूरा हाथ का काम है ये हाथ से बनाए हुए गोटे हैं ये धागे से सिले हुए हैं सारे में इसके लहंगा ओढ़नी सेम वर्क में है ये गोटा पत्ती का ये देख रहे थे। फिर इनके फैब्रिक और दूसरे देख लहंगा अगर कपड़ा लेके सिलाएं तो उसके लिए हम ये नेट में था और ये ऑर्गेंजा में है ये भी ऑर्गेंजा में ही है फूल पत्तियों का उल्टा था इसकी उल्टी घड़ी गल रही थी इसकी कलर थोड़ा ठीक था इसका ये भी सब ऑर्गेंजा ही ऑर्गेंजा के इसके कलर्स थे काफ़ी सारे ये ग्रे कलर का है ऑर्गेंजा में इनको लगवा के दिखा रहे थे देखिए कि आपको अच्छे लगते हैं या नहीं ये सब सिले सिलाए लेंगे सारे अपने अपने नाप के हिसाब से फिर इनको फिट करना होता है। बैठ जाओ आ जाओ रेशम को सीख वाला तो पूरा काम गया ये तो अच्छा लग रहा था ना लाइट कलर वो डिनर अच्छा लग रहा था तंजस जगह तो यही दो आज ये खत्म करो। ये हम जिस शॉप पे आए थे ना उस पर सारे लहंगे थे तो इनमें ये न्यू डिज़ाइन के ये कपड़ा है सिलवट वाला इसमें दिखा रहे थे और सीक्वेंस नीचे बॉर्डर इसमें दिखा रहे थे ऊपर तो थोड़े थोड़े छोटी छोटी बूटियाँ और तो हल्का हल्का वर्क था और नीचे ये बॉर्डर वाला वर्क था बारीक जीरो सीक्वेंस में और जरी में और ऐसी खड़ी लाइनिंग में ये वर्क था और इसका कपड़ा देखो ये सिलवट वाला कपड़ा जो साधारण है उसमें दिखा रहे थे हमें ये तो देखो आपको कौन सी पसंद आ रहे हैं हमें भी देख ही रहे थे अभी पसंद नहीं किया फाइनल नहीं किया था हमने ये लाइट कलर डार्क नीचे से ऐसे अजीब सा कलर है ग्रीन मेहंदी का सा ये भी देखो इसका भी बॉर्डर ठीक है कपड़ा वही है सिलवट का इसमें घेर काफ़ी था ऐसे लहंगे थे ना ये उनमें जितने भी देखे थे इसमें काफ़ी घेर आ रहा था ऐसे
कपड़ा सबका यही था सिलवट वाला, ऊपर छोटी छोटी बूटियाँ बनी हुई है कपड़े पे और कशी देव, और नीचे बॉर्डर, इसका भी देखो बॉर्डर मोर पंख वाला बॉर्डर है और अच्छा था, नग भी लग रहे हैं इसमें और ये ठीक लग रहा है। इसमें कैन कैन भी है नीचे, और देखो ये इसके कशीदे हैं और वर्क भी ऐसा ही है। इसकी नेट वाली ओढ़नी थी तो नेट की हमें नीचे दूसरी चाहिए, तो दूसरी बनवाने के लिए फिर हम इनसे बात कर रहे हैं। और एक कपड़ा, ये ब्लाउज भी इसी कपड़े में है, लहंगे के में ही, वर्क भी अच्छा था उसका। और ये लगवा के दिखा रहे हैं हम संतोष मम्मी को, घेर भी काफ़ी लग रहा था ऐसे पहन के देखने से, घेर ज़्यादा ही चाहिए था हमें इसीलिए। काफ़ी सारे लहंगे हो गए, अब इनमें से हम फाइनल कर लेंगे, देखिए कौन सा हमें लेना है। तो फिर की मतलब जी हमारा है ओढ़नी साल से ना लगा लोग इनको पर डेढ़ पार्ट की सिंगल पार्ट की, हां तो ते एक ओड़ी सी टकल ली सिंगल पार्ट ही बनेगी। जो चीज है ना वो पहले बता दो आपको, सिंगल पार्ट बनेगी जो ये है। इसके अलावा अगर आप लेना चाहो ना डेढ़ पार्ट में, जैसे आपके पास कोई भी इसके कलर की मशीन तो कोई और सकते हो, वो तो फिर सही है। सही एक रानी कलर, एक गोल्डन कलर, ये दिखेंगे। हमने लहंगा कर लिया था फाइनल और हम फिर वापस कुछ हमारा काम फिनिश करके वापस आ रहे हैं घर टैक्सी में बैठ के, बैटरी वाले ऑटो में। तो हमें भूख लग रही थी और काफ़ी थक भी चुके थे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इनमें काफ़ी कलेक्शंस थे। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर ज़रूर करना। थैंक यू।